नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 12 हिंदी એનો પાઠ બીજો નમક કા દરબા એના લેખક છે પ્રેમચંદ. એનો આપણે પાઠ છે એ પેલો બીજો આપણે જોયો. આગળ પાના નંબર 4 પરનો આપણે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે. એમાં પેલો વિભાગ છે એ આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આપણે ત્રીજો વિભાગ શરૂ કરીએ. પંડિત અલોપી દી અપને સજીલે ડર પર સવાર કુછ कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे. पंडित अलोपी थी अपना सजीले लेके तैयार रथ सजीलो सजीला रथ पर थे सवार. कुछ सोते कुछ जागते इन्हें सवार था अने थोड़ा जागता रमता एक ही थे चले आते थे लेके आवता होता. अचानक कई गाड़ियां वाले घबराते हुए आकर जगाया और बोले. अचानक आपको बुलाते हैं अने घाट पर उभा उभा छे अने तुमने बुलावे छे. पंडित अलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था. पंडित अलोपी दिन से लक्ष्मी के पैसा पर खूब विश्वास था. लक्ष्मी पर खूब विश्वास था. वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है. ते कहते तो कहा करते थे कि के संसार का तो संसार में तो कहना ही कहता था कि स्वर्ग में पण लक्ष्मी जी का राज्य है. स्वर्ग में पण लक्ष्मी जी का राज्य है. उनका यह कहना यथार्थ था. तेनु ये कहवाने हकीकत हतु सत्य हतु. न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने. न्याय और नीति ये लक्ष्मी ना रमकड़ा हता. खिलौने એટલે કે રમકડું હતું જેમ કે એમ કરે. इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है. जेम जेम के नचावे जेम नाचे छे. लेटे ही लेटे गर्व से बोले. ये सुता सुता अभिमान साथे बोलिया. चलो हम आते चलो हूँ आऊँ छू. यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पानी पान के बीटे लगा कर खाए. यह कहकर એટલે એમ કહી અને પંડિત નિશ્ચિત એટલે સ્પીકર જી તેને પાનનું પીડું એટલે પાન ઢોળામાં ખાતા ખાતા તે પાનનું પીડું લગાવીને પાન ઢોળામાં કાઢ્યું. પીર લિહાબ ઓઢે ફરી ડાબડો ઉડે ઓઢેલો ઓઢ્યો. સાલ કે ડાબડો છે એ ઓઢવાનું છે વસ્ત્ર એને ઓઢ્યું. ઓઢતે હુએ દારવા કે પાસ આકર બોલે. તે ડાબડો છે સાલ ઓઢતા ઓઢતા દારવાની પાસે આવી અને बोलियो. बाबूजी आशीर्वाद कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोकती गई. अभी अभी के बाबूजी आशीर्वाद कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ. कहो हमारी क्यों ही भूल जाए कि तुम्हें गाड़ियों से हमारी गाड़ी बदी रोके दी थी. हम ब्राह्मण पर तो आपको कृपा दृष्टि रखनी चाहिए. हमारा ब्राह्मणों पर तो तुम्हारे कृपा लेके दया वंशीधर रुखाई से बोले. वंशीधर से एक गर्दमना भूसा मारी ने बोलिया. सरकारी हुकम सरदारी हुकम. पंडित अलोपी दिन ने मस्कर कहा. पंडित अलोपी दिन हंसी ने बोलिया. हम सरकारी हुकम को नहीं जानते और न सरकार को. हमें सरकारी हुकम से एने नहीं जानता. हमें सरकार को जानता नहीं. हमारी सरकार तो आप ही है. हमारा सरकार तो तुम्हें छो. हमारा घर आपको तो घर का मामला है. मारो ने तुम्हारा तो घर नो मामलो छे. हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं. तुम तुम्हारा से कोई अलग कह सको एम क्यों. आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया. तुम्हें खोटू कष्ट तकलीफ उठाई. यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इधर घाट से देवता को भेंट न चढ़ावे. ये नहीं हो जाए कि आई थी जाए यानी देवता ने भेंट न चढ़ावी लेकिन तुमने पैसा हमें आप ही दे यानी हमारी गाड़ियों
આવી રહ્યો હતો। વંશીધર પર કેશવરીની મોહિનીકા કુછ પ્રભાવ ન પડ્યો। વંશીધર છે એને પૈસાનો કોઈ પ્રભાવ ન પડ્યો એનામાં કોઈ ફરક ન પડ્યો। ईमानदारी की नई उम्र थी। कड़क कर बोले, एकदम कड़क थी, गुस्सा थी, बोलिया हम उन नमक हराम में नहीं है। अभी बार जे नमक हराम पूजा से ईमान दे हूं नहीं। जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचे, जो कोड़ियों पर ले पैसों पर अपना ईमान बेचे, अपनी इज्जत बेचे रखे थे। आप इस समय विरासत में है, तमे आ समय जन्मा छो। सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालन होगा। सवाना कायदा अनुसार तमारो जे न्याय जाते। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं, बस मने कोई वधारे बातों का समय नहीं। जमादार भद्रसी तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ जमादार भद्रसी तमे आने आरोपी दिने हिरासत लेके जेल में लेने जाओ। हूँ पंडित अलोपी दिन संबित हो गए। लेके चकित थे क्या, सिर्फ चकित थे क्या। गाड़ी वालों ने हल मच गई। ये गाड़ी वाला था ये कौन घबरा गया। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। पंडित जी ना समय में पंडित जी ने कदाचित यह अवसर था ये पहला प्रश्न और तो गावी ने कोई इसे बनियो नहीं कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। अभी कठोर बातों ने सांभर भी पड़ी। बद्रुसी आगे बढ़ा। बद्रुसी से एनो सैनिक से सिपाही से के आगे बढ़ियो किंतु रोग के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। इनके रोग के मारे तेनो हाथ से ई पकड़ो नहीं अने तेने साहस ने हिम्मत न हुआ कि उनका हाथ पकड़े। तेने हिम्मत न हुई कि तेनो हाथ पकड़ी ले। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निराधार करके कभी न देखा। पंडित जी को धर्म और धन के कोई भी निराधार के आधार रहे कोई भी जो हूँ न हूँ। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है। अच्छी याद है वो थे उदंड लड़के के बोलो अजीब बात बोले के इवान से छोड़ो माया के जाल में अभी नहीं पड़ा थे। मोह माया में जाल में अपने दस पड़ियो नहीं आज अलर्ट है झिझकता है बहुत दिन भाव से बोले ते अलर्ट है। दुनियादारी ने जोई नहीं समझदारी एक बात है नहीं अने दिन भाव से बोले लेके नम्रता से ते बोल दिया। बाबू साहब ऐसा न कीजिए हम मिट जाएंगे। बाबू साहब तुम्हें ये बोलो मैं तुम्हें मिट जाते कि हमारे बदु फेल जाते इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारी इज्जत से कि धूल में आते जाते अपमान करने से आपको क्या हाथ जाएगा। हमारा अपमान करवा दी तुम्हारो सू जाते। हम किसी तरह आपके बाहर थोड़े हैं, हमें तुम्हारा दी अलग थोड़ा चाहिए। वंशीधर ने कठोर स्वयं में कहा। वंशीधर ने कठोर एटके गुस्सा थी એને કહ્યું હમ એસે બાતે નહીં સુનના ચાહતે અમે એવી વાતો સાંભળવા માંગતા નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પાઠ ત્રીજો છે એ થોડો અધૂરો રાખીશું। નમસ્તે અસ્તુ।